हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये पुरानी सगड़ी में नई सर्किट लगाएंगे, और नई सर्किट आप किसी दुकान पर लगवाने जाओगे तो 800 से 850 तक का खर्चा आ जाएगा, और आप घर में लगाओगे इलाके तो 500-550 रुपये की ये सर्किट आएगी, और आप अपने आप से लगा सकते हो। ये इसकी नई सर्किट है और हम इसके अंदर लगा देंगे। ये इसका पुराना किट है, इसकी जगह पे हम नया लगाएंगे ये, और इसका नंबर का प्लेट भी, ये प्लेट भी हम निकाल देंगे जो पूरा ऑपरेटिंग प्लेट है वो, और उसकी जगह पे जो छोटा है ऊपर ऊपर चिपका देंगे हम। नया सर्किट लगाने से पहले इसका कचरा साफ कर देंगे हम। नया सर्किट सेट करते समय इतना याद रखें कि ये जो इसका हीटसिंक है वो फैन को टच ना करे, वो फैन को टच करेगा तो अंदर हीट होने की वजह से जल जाएगा। और जो एक दो इसके स्क्रू सेट हो गए वो हम लगा देंगे, क्योंकि वो सर्किट भी अलग था और ये सर्किट थोड़ा अलग है। एक से दो जो स्क्रू इसके सेट हो गए वो हम लगा देंगे तो अंदर हिले नहीं। ये इसके एसी कनेक्शन है दोनों, वो दोनों डायरेक्ट प्लग ही हो गए, वो हमने लगा दिए। और ये फैन का कनेक्शन है, वो 18 वोल्ट में लगा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और ये दोनों कॉइल के कनेक्शन है, और एक ऊपर डिस्प्ले का कनेक्शन है वो लगाएंगे, वो बाद में हम ऊपर से लगाएंगे। पहले ऊपर लगाने के बाद नीचे से लेना पड़ेगा वायर। इसके ऊपर सेंसर है, ये जो गर्म ज़्यादा कम ज़्यादा हो वो ऑटोमेटिक टाइमर के लिए है, उसका कनेक्शन भी दिया ही है, वहाँ पर लगा देंगे हम। और बाद में ये तीन स्क्रू है, तीन स्क्रू को हम लगा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा ये। और इसके बाद में ऊपर हम सर्किट लगाएंगे, वो जो ऑपरेटिंग किट है वो इसका। ये किट इसके ऊपर लग जाएगी, और शोल्डर से हम ये होल करने के बाद इसके अंदर से वायर ले लेंगे, और उसके साथ ही जो डबल साइड टेप है उसकी मदद से हम अंदर लगा देंगे। और एक साइड टेप अंदर लगी हुई आ जाती है, और एक साइड से हम लगा देंगे तो ये ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा और बाद में हिलेगा नहीं। इसके ऊपर मैंने प्लेट लगा दी है, अब इसका जो अंदर कनेक्शन है वो हम कर देंगे, और बाद में मैं आपको फिट करके गर्म करके भी आपको दिखाता हूँ।
आप देख सकते हो गाइस, हमने वायर लगा दिया है और पावर भी आ गया है। अब मैं आपको पानी गर्म करके दिखाता हूँ। ये पानी है और पानी ऊपर रखने के बाद ये स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। आप देख सकते हो गाइस, हमारा पानी कंप्लीट गर्म हो गया है और अब हम इसे बंद कर देंगे और पानी को नीचे ले लेंगे। और इसके नीचे ये जो इसका कांच है वो थोड़ा टूटा हुआ है, वो हम फेविक्विक लगा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।